हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रोबियल न्यूट्रिशन अपटेक मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट अपटेक मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे बैक्टीरिया डिफरेंट न्यूट्रिएंट को सेल में लेता है। तो अगर सबने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो डिफरेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े होंगे, एक्टिव, पैसिव, सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट जो बैक्टीरियल सेल के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, बाकी सबका जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो होता है, बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, और थर्ड होता है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जिसमें कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आते हैं। तो पैसिव में सबने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो होते हैं स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ईजिली मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई कैरियर प्रोटीन की। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है बट कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो पोरिन सिस्टम जो होता है बैक्टीरिया में वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो होता है लिमिटिंग कंडीशन में ग्रो करता है। ठीक है, उसके पास न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को लो टू हाई मूव करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है एबीसी ट्रांसपोर्टर का, तो मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू पास किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाए जाएंगे। तो ये सेल बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हो डिटेल में, यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में है, वो ग्रुप ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, तो ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है, ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूल लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सर्टेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स भी यूज़ होगा। डिफरेंस क्या है फिर ये हमारा नॉर्मल एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ग्रुप ट्रांसलोकेशन में, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब मॉलिक्यूल मूव करता है सेल सेल के अंदर, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि ग्रुप ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, व्हेन एवर द मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द सेल, तो उस मॉलिक्यूल को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तब वो सेल के अंदर आता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो फॉस्फेट डोनर होता है वो मोस्टली एटीपी होता है। जब भी, ठीक है, फॉस्फेट की ज़रूरत होगी एटीपी होगा। जबकि ग्रुप ट्रांसलोकेशन में जो फॉस्फेट डोनर होगा वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो पीटीएस का पढ़ेंगे। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम। ठीक है, पीटीएस ये मोस्टली शुगर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो जो हमारा ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन जो होता है, ये फाइव डिफरेंट एंजाइम कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम वन है। ठीक है, फिर एक एच पी आर प्रोटीन है, इसको हिट शॉक प्रोटीन की तरह भी वर्क करता है ये। एंजाइम टू ए, ये है एक्चुअली दो एंजाइम, एंजाइम वन एंड एंजाइम टू, बट इसके डिफरेंट कंपोनेंट है, एंजाइम टू ए, एंजाइम टू बी एंड एंजाइम टू सी। तो टू सी जो होता है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बाकी सारे साइटोसोलिक होते हैं। ठीक है, तो वन और एंजाइम वन एंड एच पी आर ये नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट है, मतलब ये किसी को भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी शुगर को, बट ये जो होते हैं टू एंजाइम टू जो होता है ये स्पेसिफिक होता है, मतलब हर शुगर के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे इसमें जैसे ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है,
तो इसमें फॉस्फेट अटैच होगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के फॉर्म में ये सेल के अंदर आएगा। तो ये फॉस्फेट इस पे अटैच कैसे होता है? तो यहाँ से होता है, जैसे ये फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट है, ये अपना फॉस्फेट देगा और ये फॉस्फेट एक रिले सिस्टम चलेगा। यहाँ पे एक एंजाइम कंपोनेंट से दूसरे एंजाइम कंपोनेंट को पास किया जाएगा और फाइनली ग्लूकोज पे अटैच करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि इस फॉर्म में जो होता है ना, जब ग्लूकोज अंदर आएगा तो डायरेक्ट ये मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कर जाएगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ये एंटर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम है। फाइन, तो बस डिफरेंस ये याद रखना है इसमें कि इसमें जो फॉस्फेट डोनर होता है, एक ऑर्गेनिक आयन होता है। ठीक है, तो अगर नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया में बहुत कॉमन देखा जाता है, वो है सिड्रोफोर। ठीक है, जो कि आयरन अपटेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि आयरन के लिए आपको अलग से एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करवाना पड़ रहा है? तो क्या होता है, देखिए, एनऑक्सिक कंडीशन में, जब एनएरोबिक कंडीशन होती है, तो तब आयरन सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe+2 फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ऑक्सिक कंडीशन में क्या होता है, आयरन Fe+3 फॉर्म में होता है और वो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है। तो सेल कभी भी इनसॉल्युबल फॉर्म को ले नहीं सकता, ठीक है, और प्रेजेंट इसी कंडीशन में है ज़्यादा, तो फिर कैसे लिया जाए? तो उस टाइम पे एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जिसको कि हम किलेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं, दैट इज़ सिड्रोफोर, वो सिक्रीट करवाया जाता है। ठीक है, तो सिड्रोफोर क्या है, बेसिकली एक लो मॉलिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सेल तब सिक्रीट करता है जब आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक क्वेश्चन आया था गेट में कि सिड्रोफोर जो होता है किससे कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो Fe+3 फॉर्म से बनाता है, फेरिक आयन से। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, तो ये सेल है, सेल से ये सिड्रोफोर सिक्रीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ आयरन है Fe+3 फॉर्म में, लेस अमाउंट में। अब ये आयरन और सिड्रोफोर का कॉम्प्लेक्स बना, अब ये यहाँ पे सिड्रोफोर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उनसे बाइंड करेगा और फिर वहाँ से ABC ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है वो ये है कि सिड्रोफोर जो होते हैं, अगर उनका केमिकल नेचर देखो तो वो मोस्टली हाइड्रोक्सीमेट होते हैं या फिर फिनोलेट कैटाकोलेट होते हैं। तो ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं समझनी है, बस ये याद रखना है इनका दो नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सीमेट होंगे या फिनोलेट कैटेकोलेट होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ई कोलाई में जो सिट्रोफोर है उसको एंट्रोबैक्टिन कहते हैं। ठीक है, ये कैटेकोलेट नेचर का है। ठीक है, उसी तरह फंगाई में जो सिट्रोफोर है उसको फेरिक्रोम कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्सीमेट नेचर के होते हैं। कुछ मेराइन बैक्टीरिया में पेप्टाइड सिट्रोफोर होते हैं, जिसको कि एक्वाकैलीन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।